पिछले हफ्ते मैंने आपको एक नया टाइम टेबल बताया था। मैंने ये बात बताई थी कि हम लोग 2 साल से अधिक हो गए प्रभु के वचन से बहुत सारे अलग अलग विषय देख रहे हैं, इस कारण प्रभु ने मदद की। तो अब हम प्रभु के वचन के जो मूलभूत, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल कहा जाता है, जो मूलभूत उपदेश हैं जिनके आधार पर हमारा विश्वास टिका हुआ है, इन बातों का अध्ययन करेंगे। और इस तरह से एक, जिस तरह से स्कूल में बाकायदा कोर्स होता है या सिलेबस होता है, उस तरह से प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे। और इस संदर्भ में पिछले हफ्ते हमने मनुष्य की सृष्टि और मनुष्य के पाप में गिर जाने के बारे में पृष्ठभूमि देखी थी। आज इसी पृष्ठभूमि को आगे देखेंगे। आज से 6000 साल पहले प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य का पतन हुआ। उसके बाद अगले 4000 साल में क्या हुआ, ये हम आगे देखेंगे। मैं याद दिला दूं, प्रभु के वचन से वचन की पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसके 3रे अध्याय से हमने अध्ययन किया था। 1, 2, 3 हमने पिछले हफ्ते देखा था। मैंने आपको याद दिलाया था, परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि ये जो अति विशाल बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए लगाया है, जिसमें हजारों प्रकार के मनमोहक फल हैं, ये सब मैंने तुम्हारे खाने के लिए दिया है। उसके बाद प्रभु ने उस अति विशाल बगिया में, जिसका नाम अदन है, उस अदन नाम की बगिया के बीचों बीच प्रभु ने दो अति विशेष पेड़ लगाए। एक पेड़ का नाम था जीवन का वृक्ष, जिसका फल यदि मनुष्य खा ले तो खाने के बाद वो सदा सर्वदा के लिए जीवित रह सकता था। उसके बगल में एक और वृक्ष लगाया, जिसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। उस बीच जो दूसरा वृक्ष है, उसके बारे में प्रभु ने आज्ञा दी, इसके फल को मत खाना। जिस दिन इस वृक्ष के फल को खाओगे, उस दिन तुमको सजा मिलेगी। तुम जो शाश्वत काल तक जीवित रह सकते हो, जिसके लिए मैंने सारे इंतजाम किया है, तुम यदि इस वृक्ष का फल खाओगे तो जिस क्षण तुम खाओगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु के जाने के कुछ समय के बाद शैतान ने आकर सर्प के वेश में आया या सर्प के शरीर में आया, स्त्री से जानबूझकर पूछा कि अच्छा, सब वृक्षों का फल मना कर दिए क्या? स्त्री फंस गई। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सब वृक्षों के तो हम खा सकते हैं, लेकिन ये भले बुरे के वृक्ष का फल हम नहीं खा सकते। खाएंगे तो मर जाएंगे, छुएंगे तो भी मर जाएंगे, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा था। लेकिन जो व्यक्ति अपनी चाल से, अपनी बोली से हमको गलती में डालना चाहता है या गलती में फंसाना चाहता है, वो कुछ इस तरह से बोलता है या बोलती है कि अपने को सुनने वाले को समझ में नहीं आता कि उसके कहने का मतलब क्या है, और उसमें गिर जाते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने पिछले हफ्ते दिया था कि अपने नाते रिश्तेदारों, दोस्तों के बीच में ऐसे कई लोग होते हैं जो लोगों को फंसाने में मशहूर होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, उसके पहले आप उनकी बोली में फंस जाएंगे, गिर जाएंगे। मनुष्य जिस वृक्ष को प्रभु ने मना किया था, उसको खाया उसने, और खाने के बाद उसके जीवन में अपने स्वयं की नग्नता के बारे में बहुत ही भयंकर लज्जा की भावना आई। और जब लज्जा की भावना आई तो उसने क्या किया, अंजीर के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, जो असली अंजीर, उसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, उसको एक दूसरे से जोड़कर उसने अपने लिए लंगोट बना लिया, अपनी नग्नता को छुपाने के लिए।
आप जानते हैं हरा पत्ता कब तक रहेगा, कितना मजबूत होता है, मनुष्य चलेगा फिरेगा। तब परमेश्वर ने आकर आदम और हव्वा से बात की। एक्चुअली इस बगीचे को बनाने के बाद हर शाम को परमेश्वर मनुष्य से बात करने के लिए बगीचे में आते थे। ऐसा अनुमान है कि मनुष्य रूप में आते थे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उस शाम को भी प्रभु के चलने की आवाज़ सुनाई दी। जो गांव के जीवन के आदि है वे लोग इस बात को जानते हैं कि कुछ ऐसे मौसम होते हैं जहाँ पेड़ों से खूब पत्ते गिरते हैं, सूख जाते हैं, और उस पत्ते के ऊपर कोई चले तो आपको फौरन पता चल जाता है कि फलानी दिशा से कोई चलता हुआ आ रहा है। जब प्रभु उस बगिया में चलते हुए आए तो प्रभु की आवाज़ सुन के कल तक जो आदम और हव्वा प्रभु से आपसी संगति के लिए प्रभु के पास दौड़ कर जाते थे, वो लोग दौड़े लेकिन प्रभु की ओर नहीं दौड़े, प्रभु से छुपने के लिए दौड़े। अरे इस संसार के सृजनहार से कोई व्यक्ति या उसका कोई कार्य या उसकी कोई सोच छुप सकती है क्या? नहीं। लेकिन इन सब बातों को जानते हुए भी मनुष्य के मन में पाप के कारण जो लज्जा आई थी, उस लज्जा के कारण वो भाग कर प्रभु से छुप गया। उत्पत्ति की पुस्तक 3:8 में हम पढ़ते हैं, तब प्रभु जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरते थे, जब प्रभु का शब्द उनको मतलब आदम और हव्वा को सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी उस बगिया के वृक्षों के बीच प्रभु से छुप गए। प्रभु ने पुकार कर आदम से पूछा, तुम कहाँ हो? आदम ने जवाब दिया, प्रभु मैं आपकी वाणी आपकी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इस कारण मैं छुप गया। उसके मुंह से उसके पाप का जो फल जो उसके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई दिया, उस पाप के फल को उसने मान लिया है, प्रभु इस कारण मैं छुप गया। प्रभु ने इमीडिएटली उससे पूछा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने मना किया था, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया है? यह एक विचित्र बात देखिए, उस बगीचे में या उस फार्म हाउस में दुनिया भर के हजारों एक से एक आकर्षक फल लगे हुए थे, उसके बीचों बीच जीवन का वृक्ष भी था। ये लोग अज्ञान नहीं थे। याद रखिए, इस सारे विश्व की सृष्टि के बाद प्रभु हर प्राणी को आदम के पास ले गए थे और आदम ने हर प्राणी को नाम दिया था। आदम इतना बुद्धिमान और जीवन में इतना मैच्योर या परिपक्व था, उस व्यक्ति को जीवन के वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन जरा सोच कर देखें, जीवन के वृक्ष के फल को खाने के बदले उसने जिस वृक्ष का फल प्रभु ने मना किया था उसको खाया। ये आपने कभी सोचा है क्या कि मेरे आपके जीवन में जब हम चुनाव करते हैं तब हम ऐसा चुनाव कर सकते हैं जो हमारे जीवन को अच्छी दिशा में ले जाए, ऐसा भी चुनाव कर सकते हैं जो हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जाए। जब इस तरह से दोनों चुनाव हमारे सामने उपलब्ध हैं तो क्यों नहीं हम हमेशा अच्छे चुनाव करते? एक अध्यापक की हैसियत से ये प्रश्न मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने हर लेवल के विद्यार्थी पढ़ाए हैं, स्कूल में भी पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, बाइबल स्कूल में भी पढ़ाया है, चर्च में भी पढ़ाया है। एक प्रश्न जो हमेशा मेरे मन में आता है वो प्रश्न ये है कि जब हरेक को एक ही शिक्षा दी जा रही है, एक अध्यापक यदि 80 विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो सबको एक ही क्वालिटी की शिक्षा देता है, अच्छा अध्यापक है
तो सर्वोत्तम क्वालिटी की शिक्षा देगा। 80 विद्यार्थियों को भी एक ही शिक्षा दे रहा है, लेकिन उसमें से 40 कम से कम ऐसे निकलेंगे जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। क्यों? लापरवाही करने में ज़्यादा फायदा है या पढ़ाई में ज़्यादा फायदा है? पढ़ाई में ज़्यादा फायदा है। पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत लगती है या लापरवाही में ज़्यादा मेहनत लगती है? आप तुरंत कहेंगे, शास्त्री सर, पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत लगती है। सच है। एक आदमी को जीवन में कितने साल पढ़ना पड़ता है? 10, 12 या 15 साल। लेकिन जिंदगी कितने साल की होती है? 60, 70 या 80 साल की होती है। तो एक्चुअली 10 या 12 साल वो मेहनत कर ले तो सारी ज़िंदगी भर वो आराम कर सकता है। 10 या 12 साल लापरवाही करे तो सारी ज़िंदगी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है, पढ़ाई करने में या लापरवाही में? लापरवाही में ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि जो लापरवाही करता है वो ज़िंदगी भर परेशान होता रहेगा, ज़िंदगी भर रोएगा कि जब पढ़ने का मौका था तब हम पढ़ लेते तो आज ये परेशानी ना होती। लेकिन इसके बावजूद कम से कम 40% विद्यार्थी अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम अध्यापक के क्लास में बैठने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते हैं। यही आदम हुआ के साथ हुआ। जब प्रभु ने बीचों बीच जीवन का वृक्ष रखा था तो काहे को जीवन के वृक्ष का फल नहीं खा लिया? उसके बदले काहे को ये जो मना किया था उसके पीछे गए? लेकिन ऐसा ही हुआ। आदम से जब प्रभु ने पूछा कि तुमने उस जिस वृक्ष का फल मैंने मना किया वो तुमने खाया क्या, तो देखिए आदम ने तुरंत क्या जवाब दिया। 12वें पद में आदम ने कहा, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। इससे पहले भी आदम ने प्रभु से कुछ कहा था। दूसरे अध्याय के आखिर में हम देखते हैं, दूसरे अध्याय के आखिर में 22वें पद में प्रभु ने उस पसली को जो उन्होंने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। जब प्रभु उस स्त्री को आदम के पास ले गए तब आदम ने क्या कमेंट किया? 23वें पद में आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है। वहां पर उसने कहा क्या कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरे साथ रहने के लिए आपने एक संगी की व्यवस्था की है, मुझे जीवन साथी दिया है। कुछ बोला क्या? नहीं बोला। हाँ, उसने देखा मेरी पत्नी है, उसने कहा अरे ये तो मेरा शरीर है, ये मेरा मांस है, मेरी हड्डी है, इसलिए इसका नाम हवा होगा, और कुछ नहीं बोला। जब गलती कर दी तब उसके बाद तुरंत बोला, प्रभु वो स्त्री जो आपने मेरे साथ रहने को दिया था उसने मुझे फंसा दिया। मतलब जब उसको जीवन में सर्वोत्तम प्रभु ने दिया तब उसने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, प्रभु से ये नहीं कहा कि हे प्रभु मैं यहाँ कितना अकेला था और मेरा अकेलापन दूर करने के लिए मुझे आपने एक जीवन साथी आपने प्रदान किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। गलती की तो एकदम से उसने सबसे पहले प्रभु को ही दोष दिया। मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक जीवन में सब अच्छा चल रहा है तब तक वो प्रभु के प्रति कभी भी आभारी नहीं होता है, और जब जीवन में दुख होने लगता है तो तुरंत प्रभु के पास रोते गाते हुए जाता है और हो सके तो प्रभु को दोष भी दे देता है। हे प्रभु आपने मुझे कहाँ ले जाकर फंसा दिया या कहाँ लाकर फंसा दिया, या प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे 40 साल की उम्र में तुम्हारे जीवन में जरा सी मुसीबत आई तब प्रभु से पूछ रहे हो कि हे प्रभु ये कहाँ आपने फंसा दी? इसके पहले के 40 साल जब प्रभु ने जीवन में तुमको पढ़ाई दी, कपड़ा दिया, रोटी दी, सब कुछ दिया, नौकरी दी, तब प्रभु को भूल गए। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसका कारण भी आगे हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ प्रभु के वचन में कुछ बातें दी हुई हैं। 14वें पद में हम देखते हैं प्रभु ने सर्प से कहा। देखिए, स्त्री के पास शैतान सर्प के शरीर में आया था, इसलिए प्रभु ने सर्प से कहा,
तुमने जो यह कार्य किया है इसलिए तुम सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं में सबसे अधिक शापित हो। यह एक्चुअली प्रभु ने सर्प से कहा, लेकिन एक्चुअली प्रभु के ये वचन प्रभु के दुश्मन शैतान से थे। तुम जीवन भर पेट के बल चलोगे, जीवन भर मिट्टी चाटोगे। उसके बाद 15वें पद में एक बात है जो बाइबल के मूलभूत उपदेश फंडामेंटल उपदेशों में से एक है, मैं तुम्हारे और इस स्त्री के बीच में, तुम्हारे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह मतलब स्त्री का वंश या स्त्री की संतान तेरे सिर को कुचल डालेगा और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। सांप मनुष्य को सबसे ज्यादा कहाँ डसता है? उसकी एड़ी पर। और ऐसा कौन सा जानवर है जिसको सबसे ज्यादा, जिसका सिर कुचलकर मार दिया जाता है? सांप। सब जगह नहीं, हम लोग जिस इलाके से आए हैं ग्वालियर, वहां पर सांप को देखते हैं तो जानकर आदमी उसको एक चिमटे से पकड़ के ले जाकर कहीं नदी नाले में छोड़ आता है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, कई जगह सांप को देखते ही उसको मार दिया जाता है। ठीक है, प्रभु ने कहा था मनुष्य तुम्हारा संहार करेगा, तुम मनुष्य का संहार करोगे। ये एक्चुअली एक भविष्यवाणी है। प्रभु के यहाँ कहने का मतलब था आज से हजारों साल के बाद जब प्रभु यीशु इस संसार में आएंगे, तब सांप रूपी ये शैतान अपने अनुयायियों की मदद से प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा देगा। सांप मनुष्य की एड़ी को डसेगा। इसका अर्थ या इसकी व्याख्या यह है कि आज से हजारों साल के बाद जब इस दुनिया का मुक्तिदाता मनुष्य रूप में दुनिया में पधारेंगे, तब तुम जिस तरह से सांप मनुष्य की एड़ी को डसता है, उस तरह से तुम उस संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दोगे। लेकिन आगे ये लिखा है वो तेरे सिर को कुचलेगा। ये भी एक भविष्यवाणी है, जिसका मतलब जब हम प्रभु के वचन की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, जब उसकी व्याख्या देखते हैं, तब ये बात समझ में आती है प्रभु इस भविष्यवाणी के द्वारा शैतान से ये कह रहे थे कि हे शैतान, तू इस आदम और हव्वा को धोखा दे सका, लेकिन आज से हजारों साल बाद जब मेरा पुत्र प्रभु यीशु इस संसार में पधारेंगे, तब तुमको लगेगा कि तुमने उसकी एड़ी डस ली है, तुमको लगेगा कि सूली पर उसकी हत्या कर दी है, लेकिन 3 दिन के बाद वो प्रभु फिर से जिंदा हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे और इसके साथ साथ तुम्हारे सर को कुचलने का कार्य पूरा हो जाएगा। इस भविष्यवाणी का मतलब ये है, ये जो परमेश्वर और शैतान के बीच में जो हजारों साल का संघर्ष चल रहा है, प्रभु के कहने का मतलब था कि जब प्रभु यीशु संसार में आएंगे, तब शैतान कोशिश करेगा कि प्रभु का संहार कर दे। लेकिन शैतान की इस कोशिश में प्रभु शैतान का संहार कर देंगे, ये था कहने का मतलब। इन सब का परिणाम आज से 6000 साल पहले अदन की वाटिका में मनुष्य ने जो कुछ किया था, उसका परिणाम इस घटना के 4000 साल बाद लिखी गई एक पुस्तक में देखते हैं, नए नियम में, बाइबल के उत्तरार्ध में 6ठी पुस्तक है रोमियो। रोमियो नामक पुस्तक के 3रे अध्याय को जब खोल लीजिए, रोमियो की पत्री 3रा अध्याय। मैं पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो बाइबल है ये पुलपिट बाइबल है बड़े अक्षर वाली, उसको रोमियो के पत्री 3रे अध्याय को खोलकर कोई भाई जरा हमको पेज नंबर बता दे तो हम तुरंत पेज सभी भाइयों को। पुराना नियम नहीं, नए नियम में कौन सा?
211 पेज नंबर 211, शुक्रिया भाई महावीर। पेज नंबर 211 में 23वें पद को देखिए, 23वें पद को, 23वें पद में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप कहेंगे शास्त्री सर इसका मतलब कुछ साफ नहीं हुआ, अभी मैं बताता हूँ। देखिए आज से 6000 साल पहले आदम की वाटिका में आदि मानव और आदि माता की सृष्टि प्रभु ने की थी। आदि मानव और आदि माता को प्रभु ने जो वर्जित किया था वही कार्य उन्होंने किया। इस तरह से वर्जित कार्य उन्होंने जो किया उसके कारण वे लोग पाप में गिर गए। तुम लोग शायद पुराने नियम में ढूंढ रहे हो, ये नए नियम में पेज 211 है। एक्चुअली बाइबल में एक परेशानी क्या है, पुराने नियम के पेज के बाद नए नियम का पेज फिर से चालू हो जाता है। नए नियम में पेज 211, पुराने नियम छोड़ दो, नए नियम में चले जाओ और काफ़ी सारा पलट लो। हाँ, वहाँ पे पेज 211 पे पेज 211 पे 23वां पद। तो अब मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। उस आदि मानव ने जब पाप किया तो वो पाप स्वभाव आदि मानव के अंदर बस गया। उसके कारण आदम और हव्वा की जितनी संतानें इस संसार में पैदा होती हैं सब के सब इसी पाप स्वभाव के कारण, या पाप स्वभाव के कारण नहीं, पाप स्वभाव के साथ पैदा होते हैं। मैंने कई बार पूछा है आपसे, बच्चे को झूठ बोलना सिखाता है क्या कोई? नहीं। चोरी करना सिखाता है क्या कोई? नहीं। गाली गलौच देना कोई सिखाता है क्या? नहीं। मारपीट करना सिखाता है क्या? नहीं। लेकिन बच्चे ये सारा कार्य करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अपने माँ बाप से वही स्वभाव लेकर पैदा हुआ है जो माँ बाप में है। करेले का बेल लगाओगे तो उसमें जो फल आएगा वो कड़वा होगा। क्यों? इसलिए कि वो करेले का फल है। नीम का पेड़ लगाओगे तो पत्ता कड़वा होगा। क्यों? इसलिए कि वो नीम का पत्ता है। इसी तरह से मनुष्य जो पापी है वो जब एक संतान को जन्म लेता है तो वो संतान अपने माँ बाप के पाप के स्वभाव को लेकर पैदा होता है। या इसलिए यहाँ प्रभु का वचन याद दिलाता है कि सब ने पाप किया है। ऐसा कोई व्यक्ति आज इस सभा में है क्या जो खड़ा होकर, या बहन है क्या जो खड़ी होकर छाती ठोक कर कह सके कि मैंने जिंदगी में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति जीवन में गलत कार्य करता है। क्यों? इसलिए कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है सब ने पाप किया है, और चूंकि सब ने पाप किया है इसलिए प्रभु की जो पवित्रता है, प्रभु की जो महिमा है, हम उससे पूरी तरह से वंचित है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई आप स्कूल में अपने क्लास में बैठे हुए हैं, 80 विद्यार्थी हैं, प्रिंसिपल साहब सामने खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं। 80 विद्यार्थियों के क्लास में प्रिंसिपल, जिनसे हर कोई डरता है और कांपता है, वो लेक्चर दे रहे हैं। अचानक आपका कोई साथी आपको नोच लेता है। नोचने के दर्द के कारण आप जोर से अपने साथी के अगेंस्ट चिल्ला के कोई गंदा शब्द यूज करते हैं। क्लास में 80 लोग सुनते हैं, प्रिंसिपल भी सुनते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल की नजर में आपकी कोई इज्जत रह जाएगी क्या? मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उसको ध्यान से सुने। एक स्कूल जिसमें एक क्लास में 80 विद्यार्थी बैठे हैं, यह एक प्रिंसिपल जो आपकी इज्जत करते हैं, 80 विद्यार्थी जो आपको पसंद करते हैं, एक शरारती विद्यार्थी ने आपको नोच लिया, आपको गुस्सा आया, आप जोर से चिल्ला पड़े और कोई गंदा सा शब्द उसके विरुद्ध बोल दिया। आपको ध्यान नहीं रहा कि आप बड़े जोर से बोल रहे हैं। आपने जोर से जिस
गंदे शब्द का उच्चारण किया, वो आपके क्लास के 80 विद्यार्थी जो आप लोगों का आदर करते, आपका आदर करते थे, उन्होंने सुन लिया। अरे अच्छा, अभी तक तो हम समझते थे कि ये तो बड़ा सीधा साधा धर्मी आदमी ऐसे शब्द भी बोलता है क्या। प्रिंसिपल जो अभी तक आपको अपना सर्वोत्तम विद्यार्थी समझता था, वो अचानक आपके मुंह से गाली सुनता है। 80 विद्यार्थियों की नज़र में अब आपकी कोई इज्जत रह गई क्या? नहीं। उस प्रिंसिपल की नज़र में आपकी कोई इज्जत रह गई क्या? नहीं। उस प्रिंसिपल से आपको जो इज्जत मिल रही थी, विद्यार्थियों से मिल रही थी, वो एकदम से समाप्त हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य जिसकी सृष्टि प्रभु ने इसलिए की थी कि वो प्रभु के साथ संगति में रहे, उसने पाप किया, उसने लंघन किया और उसके कारण प्रभु के साथ उसकी संगति टूट गई, प्रभु की जो महिमा है उससे पूरी तरह से वंचित हो गए, प्रभु की तरफ से उसको जो कुछ मिलना था सब से वो वंचित हो गया। इसका एक परिणाम और हुआ। इसी पुस्तक के 6वें अध्याय के 23वें पद को जरा देख लीजिए। इसी पुस्तक के 6वें अध्याय के 23वें पद को 215 पेज है। मुझे अभी समझ में आया कि आपके और मेरे बाइबल के नए नियम के पन्ने एक साथ चल रहे हैं। 215 पे 23वें पद में लेफ्ट साइड में ऊपर, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको याद है क्या, 6000 साल पहले जब प्रभु ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा था, तब मनुष्य से कहा था, ये जो वृक्ष है इसके फल को मत खाना। उसके खाने के लिए हजारों प्रकार के फल थे। आप सब फल की दुकानों में गए हैं, एक से एक फल रखे रहते हैं। आप सब मेरा अनुमान है कि यहाँ जो सबसे बड़ा सुपरमार्केट इस शहर में है उसको कम से कम एक बार घूमने गए होंगे। वहाँ तो जो फल रखे हुए हैं वो देख के अच्छे से अच्छे आदमी का दिल ललचा जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। अदन की वाटिका में हजारों प्रकार के वृक्ष थे, प्लस उसके साथ साथ जीवन का वृक्ष था, जीवन के फल का वृक्ष, जिसको खाकर मनुष्य सदा सर्वदा जीवित रह सकता था। लेकिन मनुष्य ने हाथ कहाँ बढ़ाया, जो वृक्ष उसको मृत्यु दे सकता था। मैं क्यों दे सकता था बोल रहा हूँ, वो वृक्ष उनके पीछे थोड़ी भागता कि भैया मुझे खा लो या मेरे फल को खा लो। यदि मनुष्य जाके उसको खाता, तब प्रभु ने कहा था कि जिस दिन खाओगे, जिस क्षण खाओगे, उस क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्य ने जीवन के वृक्ष को हाथ लगाने के बदले, जो वृक्ष प्रभु ने वर्जित किया था उसको हाथ लगाया, फल तोड़ा, खाया, पाप किया सब ने, और उसके कारण आदम की सारी संतानों ने पाप किया। और अभी मैंने जो आपके सामने पढ़ा, यहां लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु ने कहा था जिस क्षण तुम उसको खाओगे उस क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप कहेंगे शास्त्री सर वो मर के गिर तो नहीं गए। देखिए मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। अपन जब हिंदी में कहते हैं कि मैं तो बेमौत मर जाऊंगा, तो उसका मतलब यह है क्या कि वहां पे मर के गिर जाएंगे? जी नहीं। जब अपन कहते हैं कि भैया पिताजी से ये मत बोलना, बोल मत देना कि मैंने ऐसा किया है, बोल दोगे तो मैं मर जाऊंगा। किस तरह की मौत है? पिताजी की नज़र में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, वो भी एक प्रकार की मौत है। इसी तरह से जब प्रभु ने आदम और हव्वा से कहा था कि ये जो वर्जित वृक्ष है इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे, तो प्रभु के कहने का मतलब था तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे, प्रभु के साथ तुम्हारी जो आत्मिक संगति है ये सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। सबने पाप किया और प्रभु के साथ जो संगति है उस वो संगति पूरी तरह से टूट गई। इस कारण मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक मेहनत करता है, भक्ति करता है, त्याग करता है, लेकिन उसके जीवन में इस बात का निश्चय नहीं है कि मुझे मुक्ति मिल सकेगी या नहीं। मैं हमेशा
दो बाबा लोगों को याद रखता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। कॉलेज जाने के लिए पापा ने साइकिल दिला दी थी, तो साइकिल में कॉलेज भी जाते थे, कुछ इधर उधर देखते दाखते भी जाते थे। एक बार देखा कि हमारे घर के सामने जो अति विशाल मैदान है वहाँ भीड़ लगी है, तो जाके देखा तो एक बाबा जी, उत्तर भारत का दिसंबर का सीज़न, ग्वालियर में टेम्परेचर रात को, मेरे रहते रहते मुझे अभी भी याद है, रात को 0 डिग्री से भी 4 डिग्री नीचे उतरा हुआ मैंने देखा है, -4 तक। ऐसे क्लाइमेट में, उस अति विशाल खुले मैदान में बाबा जी सिर्फ एक लंगोट धारण किए हुए एक पैर पर खड़े थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं रोज कॉलेज से आते समय वहाँ जरूर जाके देखता था कि आज बाबा जी हैं क्या, आज बाबा जी हैं क्या। वो दूसरों को जो उपदेश देते थे वो ध्यान से सुनता था। इस तरह से एक आध हफ्ते बाबा जी को देखने और उनके उपदेश को सुनने के बाद एक दिन थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, तो मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कब तक करने का इरादा है। वो बोला, बच्चा एक बार जब मैंने व्रत ले लिया है तो पूरे जीवन भर करूँगा। कितने साल से कर रहे हैं? तो बाबा जी बोले कि वो दसों साल से करते आ रहे हैं, इस मैदान में अभी अभी पधारे हैं। तो मैंने पूछा कि बाबा जी, जब दसों साल से आप इतना भयंकर कठोर त्याग कर रहे हैं, जहाँ घर के अंदर आग जलाने के बाद लोग दो दो स्वेटर पहन के फिर रजाई ओढ़कर बैठते हैं, आप सारी रात नंग धड़ंग इस खुले मैदान में इस तरह से रहते हैं, इतना भयंकर त्याग करने से आपको जीवन में मुक्ति मिली क्या? आपको इस बात का यकीन है क्या कि अब जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे, आया है सो जाएगा राजा रंग, फकीर भी दुनिया छोड़ के जाएगा, त्यागी दुनिया को छोड़ कर जाएगा, आपको इस बात का यकीन है क्या कि जब आप छोड़ कर जाएंगे तब आप प्रभु के पास जाएंगे? बाबा जी का सीधा साधा उत्तर था, बच्चा कहाँ जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी? मतलब बाबा जी दसियों साल से नंग धड़ंग कड़ी धूप और कड़ी ठंड में त्याग कर रहे थे, लेकिन उनको इस बात का यकीन नहीं है कि प्रभु के पास जाएंगे। एक और थे बाबा, वो तो हमारे कॉलेज के पास ही एक जगह डेरा जमाए हुए थे, उनको भी मैं रोज देखता था कॉलेज जाते समय। उन्होंने एक हाथ यूं उठा रखा था और हाथ बिल्कुल सूख चुका था। पूछने पे पता चला कि 10-12 साल हो गए या उससे ज़्यादा हो गए उन्होंने यूं हाथ खड़ा कर रखा है, कभी हाथ नीचे नहीं किया और हाथ बिल्कुल सूख गया है। अब चाहें बाबा जी तो अभी हाथ नीचे नहीं ला सकते। वो भी लेक्चर दिए जा रहे थे, तो एक बार मैंने पूछा, बाबा जी काहे को कर रहे हो? वो बोला, बच्चा मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने पूछा, बाबा जी इतने साल से आप कर रहे हैं, मुक्ति मिली क्या? आपको इस बात की गारंटी है क्या कि संसार छोड़ के जब जाएंगे तब आपको मुक्ति मिल जाएगी? तो बोले, बच्चा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कौन कह सकता है? दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो उस पाप से मुक्ति और नया जीवन पाना चाहते हैं, जो हर तरह का तप कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे थे इसी श्लोक या इसी पद को आगे हम देखें, वहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में शाश्वत जीवन है, अनंत जीवन है, सदा सर्वदा का जीवन है। इसका क्या मतलब? इसकी व्याख्या जरा सुन लीजिए। इसकी व्याख्या यह है, मनुष्य अपने आप अपने जप और तप से अपने आप को बचा नहीं सकता है। मनुष्य पापी है, पापी मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, जिंदगी भर कर ले, लेकिन वो चूंकि पापी है, वो
शाश्वत मृत्यु को ही जाएगा। इसीलिए लिखा है पाप की मजदूरी है मृत्यु, सदा सर्वदा के लिए वो मृत्यु में जाएगा। लेकिन एक रास्ता है, वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है प्रभु ने जो वरदान दिया है, आप अपनी मेहनत से शाश्वत जीवन नहीं पा सकते, लेकिन प्रभु ने एक वरदान दिया है, उस वरदान के द्वारा शाश्वत जीवन पा सकते हैं। और वो वरदान क्या है? प्रभु यीशु में शाश्वत जीवन। प्रभु यीशु में शाश्वत जीवन कैसे? ये इसके पहले मैं आपको एक श्लोक या पद कई बार पढ़ के सुना चुका हूँ। वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र इस संसार के लिए दे दिया, जिससे कि जो कोई उस प्रभु पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। आज से 6000 साल पहले अदन की वाटिका में मनुष्य ने जो पाप और लंघन किया था, उसके कारण वो सदा सर्वदा के लिए मृत्यु का अधिकारी हो गया। लेकिन उस मृत्यु से एक नया जीवन, एक मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में पधारे थे। प्रभु ने सूली पर अपना बलिदान दिया था। उस बलिदान से आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, उसके कारण उनकी संतान, हर कोई पापी है, पापी मनुष्य, उसको नरक जाना ही होगा और कोई नहीं बच सकेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। प्रभु का वचन कहता है ना केवल वो जाएगा, चूंकि वो पापी है इसलिए उसको पाप की सजा मिलेगी, लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है कि प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने उसको मुक्ति प्रदान की है। शर्त यह है कि जाकर हम उस मुक्ति को प्राप्त कर ले। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु से विनती करके, याचना करके, पापों की क्षमा मांग के ये मुक्ति पाई है। जब प्रभु ये मुक्ति देते हैं तो घटना वहाँ पर समाप्त नहीं हो जाती है। इस मुक्ति के साथ साथ पचासों बातें घटती हैं, जैसे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का भराव, प्रतिदिन जीवन में प्रभु से अनुग्रह पाने के लिए प्रभु के वचन का पाठ, प्रभु की वाणी सुनने के लिए प्रभु के वचन का पाठ, अपने जीवन में प्रभु के प्रति जो आभार है उसे व्यक्त करने के लिए प्रार्थना, अपनी जरूरतें प्रभु के सामने ले जाकर रखने के लिए प्रार्थना, आत्मिक जीवन में उत्साह पाने के लिए प्रभु के बच्चों के साथ इस तरह की संगति और सत्संग, प्रभु यीशु की मृत्यु और प्रभु यीशु के बलिदान को स्मरण करने के लिए प्रभु भोज, प्रभु ने हमारे जीवन में जो कुछ किया है वो दूसरों के साथ शेयर करने के द्वारा, दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए प्रभु की आज्ञा, प्रभु ने हमको जो समय दिया है वो समय और जो धन दिया है वो धन तन मन धन से प्रभु की सेवा करने के लिए एक हिस्सा, प्रभु ने हमको जो समय दिया उसमें से एक सिक्का एक हिस्सा, जो धन दिया है उसमें से एक हिस्सा, हमको प्रभु ने जो योग्यता दी है उस योग्यता का उपयोग प्रभु के लिए, ये सब करना, इस तरह से पचासों बातें हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन इन सब की पृष्ठभूमि आज मैंने आपको बता दी। पिछले हफ्ते मैंने बताया प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य पाप में गिर गया। आज मैंने आपको याद दिलाया पाप में गिरे हुए मनुष्य को पाप से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु संसार में आए। जो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है उसको एक नया जीवन दिया जाता है। उसके साथ साथ आज मैंने आपको ये बात याद दिलाई कि जब हमको नया जीवन दिया जाता है तो उसके साथ पचासों प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती हैं। इसके अलावा प्रभु ने कुछ आज्ञाएं भी दी हैं, जैसे जिसने मुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो जाकर जल संस्कार प्राप्त करे, उसके बाद वो मेरे वचन का अध्ययन करे, उसके बाद वो जाकर मेरा ये शुभ संदेश दूसरों को सुनाए,
इस तरह से बहुत सारी बातें प्रभु ने कही हैं जो प्रभु के वचन में स्पष्टतया बताई गई हैं। प्रभु ने मदद की तो ये जो 50 बातें एक प्रभु की संतान को मालूम होनी चाहिए, इनका एक 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 करके हम अगले हफ्ते से अध्ययन करेंगे। पृष्ठभूमि मैंने समाप्त कर दी है, अब एक एक करके सिलेबस के समान हम उन विषयों का अध्ययन अगले हफ्ते से करेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस सभा में जितने लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वे लोग इस अध्ययन को अगले हफ्ते से जो अध्ययन है उसको गंभीरता से लें, अपने साथ कॉपी पेंसिल डायरी वगैरह लेकर आएं, जिससे कि मैं जो पॉइंट आपको बताता चला जाऊं, जो पद यहाँ पर प्रभु के वचन से बताता जाऊं, उसको आप नोट करते चले जाएं, जिससे कि उस विषय का अध्ययन आप घर जाके फिर से कर सकें। आप पूछेंगे, शास्त्री सर आत्मिक बातों में भी अध्ययन क्या? अरे आत्मिक बातों में तो अध्ययन ज़्यादा करना है, जब संसार की बातों के लिए उसको सीखने के लिए अपन इतना समय निकालते हैं, तो आत्मिक बातों के अध्ययन के लिए भी हमको समय देना चाहिए। आप पूछेंगे, सर किस उम्र तक करना होगा? अच्छा प्रश्न पूछा भाई, जब तक इस संसार में है जिंदगी भर अध्ययन करना होगा। आप पूछेंगे, शास्त्री सर आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप तो हमको संदेश देते हैं, आप भी करते हैं क्या? जी हाँ, मैं भी करता हूँ। जिन भाइयों ने सुबह के सत्संग में मुझे देखा है, वो लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी यहाँ इस पुलपित से कोई भी व्यक्ति प्रभु के वचन का अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो मैं तुरंत अपनी फाइल निकाल लेता हूँ, पेन निकाल लेता हूँ और लिखना चालू कर देता हूँ। प्रभु ने मदद की तो कुछ हफ्तों में मैं 66 साल का हो जाऊँगा। आप सबसे वाकई में बुजुर्ग हूँ, लेकिन इस उम्र में भी मैंने जब प्रभु की वाणी सुनता हूँ, याद है पिछले हफ्ते कौन सा गाना गाया गया था, सुन लो भाई प्रभु की वाणी। जब प्रभु की वाणी हम सुनते हैं तब उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, प्रभु की वाणी को नोट कर लेना चाहिए। जब मनुष्य का सिखाया हम नोट करते हैं, तो प्रभु का सिखाया तो और अधिक नोट करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे आत्मिक जीवन में उसको एक ठोस आधार प्रदान करे। प्रभु ने इस तरह से अध्ययन के लिए जो मौका दिया, उसके लिए प्रभु हम सबकी मदद करें, प्रभु आप सबके साथ हों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से मौखिक पाठ देने के अलावा कुछ लिखित सामग्री भी आप सबको दे सकूं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे उसके लिए ताकत दे, जिससे कि कम से कम महीने में एक बार कुछ ना कुछ लिखित सामग्री भी मैं आप सबको दे सकूं। आज इस तरह से आकर प्रभु की वाणी सुनने के लिए प्रभु ने हम सबकी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ।